देखिए बिहार पुलिस है झारखंड में आके गाड़ी बिहार पुलिस कोठी थाना का ड्रामा रख लिया साला। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बालू माफियाओं का आतंक हर जगह है, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो बिहार और झारखंड का है। दरअसल बिहार पुलिस बालू माफियाओं का पीछा करते हुए झारखंड में घुस गई और यही उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बालू माफियाओं के साथ ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और देखिए कैसे दौड़ाया बिहार पुलिस को। जिसको बुलाना बुलाइए, तो आप लोग का झारखंड से गाड़ी धर लीजिएगा जी। हाँ तो इकाची है नहीं, सब रंगदारी आप लोग का सब गलत है, गलत बात है। चलिए ना तीन आप लोग बिहार से लेके गाड़ी धर के पैसा लीजिएगा, छोड़िएगा गाड़ी, है ना। इससे पहले भी एक वो गाड़ी पकड़ के धर के छोड़ी था 30 शहर में। देखिए बिहार पुलिस है झारखंड में आके गाड़ी बिहार पुलिस कोठी थाना का ड्रामा रख लिया साला। अभी पहले अभी आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब जवाब गाड़ी रोकिए, जवाब 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 लीजिए, जवाब मांगे, जवाब जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब लीजिए। ये लोग का यही ड्रामा है, गाड़ी धर के लेके जाता है 30 हजार 40 हजार 50 हजार में गाड़ी छोड़ता है। कोठी थाना का जो है ये कोठी थाना का स्टेटमेंट है सर, यहाँ पे धान को पहुँचा रहा है। बिहार झारखंड में आकर गाड़ी धरता है लोग, अब पैसा लेके गाड़ी छोड़ेगा। यही नदी है, ये नदी पूरा झारखंड में पड़ता है, इसका लास्ट कोना बिहार में पड़ता है। रुके दोबारा ऐसा हरकत मत कीजिएगा कि आप लोग बिहार का पुलिस आके झारखंड में गाड़ी मत धरिएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, गाड़ी को रिवर्स गियर में लेना पड़ा और पुलिस जो पहुंची थी वो चुपचाप पूछ दबा के वहां से निकल रही है। आखिरकार बिहार पुलिस से गलती क्या हुई? पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि बिहार में एक कोठी थाना पड़ता है, वहीं पर मोरहर नदी है, ये जिला गया पड़ता है बिहार का। तो इस नदी का आधा भाग बिहार में लगता है और आधा भाग झारखंड में, और यहाँ से बालू उठाने का ठेका नहीं छूटा है, किसी को नहीं दिया गया है, ऐसा प्रशासन ने जानबूझ करके किया है। लिहाजा होता क्या है कि झारखंड के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के लोग जो है इस नदी से बालू को निकालते हैं और निकाल करके अपने क्षेत्र में घुस जाते हैं, वो जो कि झारखंड में लगता है। बिहार पुलिस कई बार पीछा करते हुए झारखंड जाती है, तो झारखंड के लोगों का आरोप है कि वहाँ से आ करके ये अवैध बालू और ट्रैक्टर को पकड़ करके ले जाते हैं, अवैध उगाही करते हैं, फिर छोड़ते हैं। बिहार पुलिस आखिर झारखंड में कैसे आ सकती है? उनका सवाल तो वाजिब है, लेकिन सवाल ये भी है कि मोरहर नदी यदि दोनों प्रदेशों में लगती है और उसके बालू उठान का ठेका नहीं छूटा है, बंदोबस्ती नहीं की गई है, तो पुलिस का काम है उसे रोकना। इसी का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के रेत माफिया और फिर इकट्ठा होकर के पुलिस के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ और वहाँ के
थानाध्यक्ष उमा शंकर है वो इस घटना को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उनके थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि घोरीघाट गांव और कोठी थाना क्षेत्र के बीच में मुरहर नदी है जिसका आधा हिस्सा बिहार में आधा हिस्सा झारखंड में, ऐसे में बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का खनन कर झारखंड की सीमा में प्रवेश किया जा रहा था, इसे रोकने के लिए पुलिस गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बालू माफिया लगातार बालू की चोरी कर झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर पुलिस से दुर्व्यवहार करते हैं क्योंकि दूसरे प्रदेश का मामला हो जाता है। फिर इस मसले को दोनों प्रदेशों की सरकारें और डीजीपी स्तर पर क्यों नहीं सुलझाया जाता है, जो पुलिस की फजीहत हुई है बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की पुलिस की, वो तो वीडियो में साफ दिख रहा है जैसे कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।